मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिमला से वर्चुअल माध्यम से सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और चिकित्सा अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में वृद्धि हो रही है और लगभग 98% कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में है। उन्होंने अधिकारियों को होम आइसोलेशन किटें तैयार रखने के निर्देश दिए ताकि इन्हें कोरोना मरीजों को उपलब्ध करवाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को 12 जनवरी तक कोरोना टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर केसेस, यानी कि 98% केसेस कोविड के जो एक्टिव केसेस हैं, जो अभी संक्रमित हुए हैं, वो होम आइसोलेशन में है। हॉस्पिटल में नंबर ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्प्रेड बहुत फास्ट है, बहुत तेजी से, इस बात को हम महसूस कर रहे हैं। ऐसे में हमने सबसे बड़ी जो ज़रूरत महसूस हो रही है हमें, वो हो रही है कि जो होम आइसोलेशन में जो लोग संक्रमित हो करके अपना इलाज कर रहे हैं या अपना कोविड का अपना ख्याल रख रहे हैं, उन पर ठीक प्रकार से हमारी नज़र और उसके साथ निगरानी के साथ साथ में हम काम करें और उनके लिए जो हर संभव सहयोग जितना हम दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उस पर मदद करें, क्योंकि ज़्यादा फोकस अब की बार हमको होम आइसोलेशन पर देना पड़ेगा। और उसके लिए आशा वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और उसके साथ साथ में जो नियर बाई के जितने भी हमारे जो PSC है, CSC है, सिविल हॉस्पिटल है, उसमें एरिया स्पेसिफिक हमने तय किया है कि कौन कौन एरिया की ज्यूरिस्डिक्शन में जो केसेस होंगे, वो भी उनको जो है वो टेलीफोन के माध्यम से कांटेक्ट करके उनकी हेल्थ के जितने भी जो पैरामीटर्स हैं उनको मॉनिटर करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त और अगली जो बात जो है, जो हमारा वैक्सीन का अभियान चल रहा है 15 से 18 साल का, इस अभियान को हम परसों हर हालत में समाप्त करने जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में भी मुझे इस बात को लेकर के बधाई देनी है सभी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को, बहुत बेहतरीन काम किया है, सर्दी के बावजूद भी काम किया है, बर्फ के बावजूद काम किया है,